हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर से बिल्कुल रिलेटेड है। अगर प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपने नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लें, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जी हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या तो कोई भी नेगेटिव चार्ज है, वो अपने अराउंड क्या करता है, एक रीजन क्रिएट करता है, जिस रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रख लें तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डिनोट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक हो गया, तो अब हम क्या कहते हैं, अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास में हमने कोई टेस्ट चार्ज रख ली, और आप सब जानते हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो हम कहेंगे वो इस डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, अगर 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 ये हो रहा है कि जी इस चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाली फोर्स जो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, अगर फोर्स कम अप्लाई हो रही है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रही है हम कहेंगे फोर्स ज़्यादा है। ठीक हो गया जी, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी कि फोर्स भाई इस टेस्ट चार्ज पर कितनी अप्लाई हो रही है, हम कहेंगे दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसी को स्ट्रेंथ को हम इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो हम कैसे कहेंगे, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड बाय ई। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r² की। जितना डिस्टेंस हम ज़्यादा बढ़ाएंगे फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स कम होगी इट मीन्स कि हम कहेंगे जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक हो गया, तो अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हम क्या लिखेंगे जी। हम लिखेंगे कि फोर्स अप्लाइड या फिर सिर्फ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं भैया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। अगर इसी का हम फार्मूला लिखना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका अगर SI यूनिट आपसे पूछा जाए क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो ये हमने लिख लिया कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ये किसका यूनिट हो गया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक, अब आप लोग मुझे ये बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, तो ऑब्वियसली फोर्स अप्लाइड है तो फोर्स है मतलब वेक्टर है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन इसकी वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आपके फोर्स की है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। जितना डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये फार्मूला देख लें, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी सी और डिटेल रहेगी इसकी। इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक हो गया, एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लिखा जी, ई इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। अगर आपको याद हो ये क्या, कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के दरमियान वाली, जिसके बारे में हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया, इस वक्त जो हमारे पास दो चार्जेस हैं, हम सपोज करते हैं एक चार्ज है क्यू और दूसरी है क्यू नॉट। ठीक हो गया, इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस है हमारे पास आर, तो क्यू वन हमारी क्यू हो गई, क्यू टू हमारी क्यू नॉट हो गई, तो ये फार्मूला हमारा रीअरेंज हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल्स टू के, सेम रहेगा, क्यू वन की जगह हम लिख लेते हैं क्यू, क्यू टू की जगह लिख लेते हैं क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी, अच्छा ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस जगह पर, ठीक, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन,
क्या होगा जी, ई विल बी इक्वल्स टू एफ की जगह ये वैल्यू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये सिर्फ एफ की वैल्यू आ गई, अपॉन में क्यू नॉट है तो अपॉन में क्यू नॉट लिख लिया, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गए तो हम कहेंगे जी ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, जितना डिस्टेंस कम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बस ये छोटी सी डेरिवेशन थी, फार्मूला एक ये रहा एक फार्मूला ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, ये दोनों फार्मूलाज हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।